आज की वीडियो हमारी iPhone 13 के ऊपर है। अगर आप iPhone 13 लेने का सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका पैसा वेस्ट हो जाए। Amazon की सेल में ये 37,999 का मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमें टीजर में देखने को मिल रहा था। इसका हम प्राइस लेके चलते हैं 41,000। अगर सेल हमारी एंड भी हो चुकी है उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और iPhone 13 लेना चाहते हो तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे और पॉइंट टू पॉइंट वीडियो रहेगी, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं iPhone 13 की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। iPhone 13 हमारा एल्युमिनियम फ्रेम के साथ में आता है, काफी सॉलिड है और हम भी काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 हमारे स्टूडियो में iPhone 13 है और एक हमारा बिना केस के भी रहा है, कुछ ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ, अगर आप ब्लू कलर यूज कर रहे हो या फिर ब्लैक कलर यूज कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा फील होता है कि कुछ कुछ जगह से जो है ना पेंट निकलना शुरू हो गया, लेकिन लाइट कलर्स में ये दिक्कत हमें देखने को नहीं मिले। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, इजिली आपका फोन टूटने वाला है नहीं। बैक पैनल भी इसका सॉलिड है, फ्रंट में भी सेरेमिक शील्ड देके रखे। लेकिन आज जो फ्रंट साइड है इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे फोन आपके पास आता है आपने तुरंत इसके ऊपर टेम्पर ग्लास लगा लेना है। और ये फोन हमारा आईपी रेटिंग के साथ में भी आता है, तो iPhone 13 का हमने वाटर टेस्ट किया है, उसमें पास हो गया था iPhone 13 और हमने मल्टीपल टाइम वाटर टेस्ट किया है। तो हाँ, आप मान के चल सकते हो कि पानी के अंदर भी ये फोन इजिली खराब होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एप्पल इसे वाटर प्रूफ नहीं कहता, वाटर रेसिस्टेंस कहता है और वारंटी भी नहीं देता है। तो आपने रिस्क नहीं लेना है, पानी के अंदर गिर जाता है गलती से तो सर्वाइव कर जाएगा, बट खुद से पानी के अंदर लेके मत जाना। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले आती है, कलर्स वगैरह बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। जब आप वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो, आप फुल एंजॉय कर पाओगे क्योंकि HDR का सपोर्ट भी है, तो आप HDR कंटेंट भी देख सकते हो और डिस्प्ले काफी ब्राइट है। 800 nits टिपिकल मैक्स ब्राइटनेस है और 1200 nits HDR की मैक्स ब्राइटनेस है, तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है और आउटडोर में दिक्कत नहीं देती है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम भी है, अगर आप आउटडोर में ज्यादा देर तक स्मार्टफोन को यूज करते हो तो ये भाई साहब हो जाते हैं हीट और उस वजह से ब्राइटनेस ड्रॉप कर देते हैं। टेक्निकली देखा जाए आउटडोर में आप इस स्मार्टफोन को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा हैप्टिक टच, ट्रू टोन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले बढ़िया है, लेकिन एक कमी है जो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका सलूशन भी है जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ये फोन आता है एप्पल की A15 चिप के साथ में और अभी भी इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। आप 60 FPS प्रॉपर गेमिंग कर सकते हो इसमें, अगर मैं BGMI गेम की बात करूं, और फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगेन बहुत दिक्कत है हीटिंग को लेकर, जब फोन हीट हो जाता है ब्राइटनेस ड्रॉप कर देता है, लेकिन FPS ड्रॉप नहीं करता। ये iPhone 12 का हमने टेस्ट किया था तो वो FPS भी ड्रॉप कर देता है, लेकिन ब्राइटनेस वो एज कम्पेयर iPhone 13 कम ड्रॉप करता है। ये भाई साहब अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर देते हैं, परफॉर्मेंस सही मिलेगी आपको 60 FPS प्रॉपर। एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आप स्मार्टफोन कूलर यूज कर लेना और ये गेमिंग के टाइम में भी आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप आउटडोर में कैमरा ज्यादा यूज कर रहे हो तब भी आप एक स्मार्टफोन कूलर यूज कर सकते हो, जिससे फोन जो है ना वो हीट नहीं होगा और ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करेगा। और तीसरा फायदा आपको मिलेगा, फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप हैवी यूज करते हो आईफोन के साथ में तो स्मार्टफोन कूलर एक तरह से इस डिवाइस के लिए मस्ट है। लेकिन iOS 18 आने के बाद थोड़ा सा हीट कंट्रोल हुआ है इसका पहले के कंपैरिजन में, जब से गेम मोड आया है गेमिंग के टाइम। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम बात करते हैं इसके कैमरा की। कैमरा काफी सिंपल है, 3 कैमरा सेंसर दे के रखे हैं, तीनों 12 MP के हैं। नाइट मोड मिल जाता है, डीप फ्यूजन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, 2x ऑप्टिकल जूम में आप अच्छे खासे फोटो क्लिक कर सकते हो, 5x तक डिजिटल जूम में भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। और कुछ फोटो वीडियो सैंपल मैं अब आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। अभी मैं iPhone 13 का अल्ट्रा वाइड लेंस यूज कर रहा हूँ, 4K 60 FPS पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आउटडोर में। लो लाइट में भी हम टेस्ट करेंगे और आप जब जूम करते हो वो भी बता देता हूँ। अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस से जूम करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम 1.5x तक कर सकते हो, और अभी मेन लेंस से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 60 FPS में, तो मैक्सिमम जूम भी बता देता हूँ, मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जूम कर सकते हो 3x। और रही बात स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा हल्का सा रन करते हैं तो स्टेबलाइजेशन का आइडिया भी आपको लग जाएगा यहाँ से। और ये है सिनेमैटिक मोड, तो सिनेमैटिक मोड की क्वालिटी वैसे आप देख सकते हो काफी बढ़िया है, लेकिन मैं लेटेस्ट सीरीज के कंपैरिजन में बता सकता हूँ थोड़ा सा एज डिटेक्शन लेटेस्ट सीरीज में बेटर हो चुका है। बाकी क्वालिटी आपके सामने है, काफी नाइसली आप रिकॉर्ड कर सकते हो सिनेमैटिक मोड में। और अभी गाइस हम लो लाइट में, तो लो लाइट में अल्ट्रा वाइड से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जब से लेटेस्ट iPhone 16 सीरीज हमने यूज किया तब
उतनी भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आईफोन 14 और 15 में आपको इसी तरह की क्वालिटी मिलती है, तो ये भी ठीक है, स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया है, तो आप ब्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। और माइक भी इसी फोन का यूज हो रहा है, एक्सटर्नल हम यूज नहीं कर रहे हैं। और अभी मेन लेंस के आउटपुट बताता हूँ लो लाइट में, और अभी मेन लेंस यूज हो रहा है लो लाइट में, तो इसके आउटपुट तो काफी सही है, रिजल्ट आपके सामने है। और सिनेमैटिक मोड एनिमल्स के ऊपर भी वर्क करता है, फोकस वगैरह प्रॉपर कर लेता है, तो यहाँ पर भी कोई वैसे दिक्कत नहीं है। और अप्रोक्सीमेट 50 मिनट हो गया हमें इस फोन को यूज करते हुए, थोड़ी सी ने ब्राइटनेस ड्रॉप कर दी, लेकिन अभी भी विजिबल है वैसे डिस्प्ले, तो हाँ 15-20 मिनट तक तो कोई दिक्कत नहीं देगा वैसे आउटडोर में। और वैसे मौसम भी आज थोड़ा ठंडा ही था, तो 15 मिनट इसने निकाल दिए। तो देखो गाइस, कैमरा इसका काफी बढ़िया है, स्मार्ट HDR4 भी देके रखा है फोटोज के लिए, तो फोटोज के रिजल्ट काफी बढ़िया रहते हैं। तो देखा जाए जिस प्राइस में ये मिल रहा है ना, कैमरा ओवरऑल मैं कहूंगा अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। देखो बैटरी बैकअप अगर आप न्यू स्मार्टफोन परचेज करो तब आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, 2 साल तक तो आपको बिल्कुल भी फोन परेशान नहीं करेगा। अगर आपने दूसरों से सुना भी होगा कि आईफोन 13 बैटरी बैकअप अच्छा नहीं निकाल रहा है, तो उससे ये भी पूछ लेना कि आप कितने टाइम से आईफोन 13 यूज कर रहे हो। सकता है उन्होंने जब लॉन्च हुआ था उस टाइम लिया हो, तो अभी तो 3 साल हो चुके हैं, फोन पुराना हो चुका है, फिर बैटरी बैकअप ऑब्वियसली बात है कि कम तो होगा ही, तो नए स्मार्टफोन में आपको बैटरी बैकअप लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 2 साल तो मैं तब कह रहा हूँ अगर आप बहुत हार्ड तरीके से यूज करो अपने आईफोन को, और अगर आप आईफोन का हीट कंट्रोल कर पाओगे तब आपको 5 साल तक भी ये बैटरी बैकअप को लेकर दिक्कत नहीं देगा, ये मैं कह सकता हूँ, अगर आप इसका हीट कंट्रोल कर पाओगे तब। तो फिर ओवरऑल देखा जाए अगर आप 40,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आईफोन 13 के लिए, तो देखो 3 साल हो चुके हैं इस फोन को लॉन्च हुए, अभी 2 साल और आपको अपडेट मिलेगी, और एप्पल वैसे 5 ईयर कहता है लेकिन उससे ज्यादा भी अपडेट दे देता है, तो कम से कम 4 साल तो आप इस फोन को आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी बैंक एप्लीकेशन रहेगी और बाकी की एप्लीकेशन रहेगी वो अच्छे तरीके से वर्क करेंगी, और 5G भी है हमारा फोन, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैटरी बैकअप भी अच्छा निकालता है, और जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बता दी, कमी है इस फोन के। और बस मैं ये कहूंगा अगर आप इस फोन की तरफ जा रहे हो, एक अच्छा केस और अच्छा टेम्पर ग्लास होना जरूरी है, और हमने अपने चैनल के ऊपर अच्छे अच्छे केसेस और टेम्पर ग्लास है ना वो रिव्यू करके वीडियोस डाल के रखे, ड्रॉप टेस्ट हमने किया, तो सभी के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा अगर आप आईफोन ले रहे हो, एप्पल केयर प्लस सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लेके रखी है, अच्छा टेम्पर ग्लास और अच्छा केस मस्ट है, डिस्काउंट कोड भी मैंने दे के रखा है, उन्हें यूज करना और आप अपने फोन को 100% सेफ रख सकते हो। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी बहुत सारी डील्स आती रहती है अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर, उनके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। बस आप एम्प्लॉय होना चाहिए कहीं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर 15,000 मिनिमम या फिर 30,000 क्राइटेरिया रहता है वो आपका होना चाहिए, फिर आप क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हो। और थर्ड मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने पर्सनली मुझसे बात करनी है, तो फैन कॉल ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हो। तो फिर ये थे हमारी वीडियो आईफोन 13 के ऊपर, एक्स्ट्रा आपने कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।